दिया। सुबह है, बीबी अपने बाप पे रो रही है, दोपहर है गिरिया कर रही है, शाम है गिरिया कर रही है। एक दिन बीबी अपने मसलत से टेक लगाए हुए लेटी थी, इतने में अली आए, बिनते रसूल आप पर मेरा सलाम हो। और बिनते रसूल सुनना भाई, मदीने वालों ने आपको सलाम कहा है और कहा है कि आप अपने रोने के लिए कोई वक्त मुअज्जल कर लें, इसलिए कि आपके रोने से हमारे कारोबार दुनियावी में खलल पड़ता है। फतनफसत सुआदा, शहजादी ने एक ठंडी सांस ली और कहा अबुल हसन मदीने वालों से कह दें कि उनके रसूल की बेटी उन्हें ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगी। अबुल हसन कह दें कि उनके रसूल की बेटी उन्हें ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगी। अबुल हसन यह पैगाम तो था मदीने वालों के लिए, और आपसे एक ख्वाहिश यह है कि आप मेरे लिए जन्नतुल बकी में खुजरा बना दें जिसमें मैं अपने बच्चों को लेकर जाया करूं और अपने बाबा पे गिर जाया करूं। अली ने अपने हाथों से जन्नतुल बकी में खुजरा बनाया। बीबी का, जिसका नाम बैतुल हुजूर है, बीबी का यह दस्तूर था कि सुबह सवेरे अपने बच्चों को लेकर उस हुजरे में तशरीफ ले जाती, हसन हुसैन जैनब उम्मे कुलसूम, दोपहर तक बैठकर अपने बाबा पे गिरिया करती, दोपहर में अपने बच्चों को लेके आती, खाना खिलाती, हवाई जरूरी से फारिग करती, उसके बाद फिर बच्चों को लेके जाती, शाम को फिर वापसी होती। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजर गए। अब जुमला सुनना, एक दिन बीबी अपने बच्चों के साथ घर में दाखिल हो रही थी और अली घर से बाहर जा रहे थे। एक मरतबा अली की निगाह पड़ी शहजादी के चेहरे पर, कहने लगे कि बिनते रसूल, जिस दिन से आपके बाबा का इंतकाल हुआ है उस दिन से मैंने आपके चेहरे पर खुशी नहीं देखी, ये आज आपके चेहरे पर खुशी के आसार कैसे हैं? बीबी ने ठंडी सांस ली और कहा अबुल हसन क्या पूछते हो, रोते रोते मुझे नींद आ गई थी, मेरा बाबा मेरे ख्वाब में आया, उसने मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटी तेरी मुसीबतों के दिन अब खत्म हो गए। तो अबुल हसन ये जो तुम चेहरे पे खुशी देख रहे हो ये मेरे बाबा से मिलने की खुशी है। फिर ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, अली और फातिमा ने वसीयतें की और अब अली बाहर आए और मुझे इजाजत दे दो। अली मस्जिद में आके बैठ गए, बीबी ने कनीज से कहा कि मैं अब हुजरे को बंद कर रही हूं, जब तक जिक्र इलाही की आवाज आती रहे उस वक्त तक समझना कि मैं जिंदा हूं, और जब जिक्र इलाही की आवाज बंद हो जाए तो जाकर अली को इत्तला दे देना। कनीज दरवाजे के बाहर बैठ गई, एक मरतबा जिक्र इलाही की आवाज बंद हुई, कनीज दौड़ती हुई मस्जिद में आई, हिम्मत नहीं है कि अली से कुछ कह सके, एक मरतबा कनीज ने सर से चादर खींची और अली के कदमों पे डाल दी और कहा मौला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, फकत दो जुमले। अज्रकुमल अल्लाह, तुमने गिरिया किया, मजलिस अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई, अली आए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार किया। यह है मेरी तकरीर का आखिरी जुमला। जब जनाजा तैयार हो गया तो एक मरतबा आवाज दी, या हसन या हुसैन या जैनब या उम्म कुलसूम हलुम्मु इला ज़ियारत उम्मकुम, तुम्हें कुछ मालूम है कि इन बच्चों की उम्रें क्या थी? हसन 7 साल के थे, हुसैन 6 साल के थे, शहजादी जैनब 4.5 साल की थी, शहजादी उम्मे कुलसूम 2.5 साल की थी। आवाज दी जनाजा तैयार करके कि हसन अपनी माँ का आखिरी दीदार करो, हुसैन अपनी माँ का आखिरी दीदार करो, जैनब उम्मे कुलसूम अपनी माँ का आखिरी दीदार करो। घर की कनीज बयान करती है कि दो बच्चे दौड़ते हुए माँ के पास आ गए, हसन आए उम्मे कुलसूम आई और दो बच्चे दरवाजे पे खड़े रहे, हुसैन खड़े रहे, शहजादी जैनब खड़ी रही। अली ने आवाज दी बच्चों तुम भी तो आओ,
حسین نے رو کے کہا کہ بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ویسے نہ بلائے جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا. بس یہ سننا تھا کہ فاطمہ زہرا کے بندے کفن ٹوٹ گئے, ایک ہاتھ نے حسین کو بلایا ایک ہاتھ نے زینب کو بلایا, دونوں بچے آ کر ماں کے سینے سے لپٹ گئے. ایک وقت بعد جبریل نے آواز دی کہ یا علی بچوں کو ماں سے الگ کرو ورنہ کائنات میں زلزلہ آ جائے.